हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी नोटबुक, जो कि जब आप टीचर आपको कहेगा कि आपने होमवर्क चेक कराओ या नोटबुक चेक कराओ, तो उसको स्कैन करके वेबसाइट में कैसे अपलोड करना है, या फिर आपका कोई भी क्लास टेस्ट हुआ है तो आप अपने क्लास टेस्ट को जो है वो कैसे अपलोड करेंगे वेबसाइट, क्योंकि अब आप व्हाट्सएप में जो है वो नहीं भेज सकते। अब आपको जो भी है ऑफिशियल काम आपका वेबसाइट पर ही होने वाला है, तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको दो ऐप्स जो हैं वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। पहला ऐप है NotBlock, दूसरा ऐप है WPS Office, जो कि आपको PDF बनाने में हेल्पफुल रहेगा एंड देन PDF को अपलोड करने में जो है वो हेल्प करेगा। इसके लिए हम जाएंगे प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में जाके पहला ऐप जो मैं इंस्टॉल कर रही हूँ वो करूँगी NotBlock। तो यहाँ पर मैंने इसे पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ओपन आ रहा है। आपके यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन आएगा, अगर आपके फ़ोन में ये ऐप जो है वो नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये जो है एक स्कैनिंग ऐप है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स की विजिबिलिटी को इनक्रीज़ कर देगा। सो रिमेंबर, ये आइकन है इस ऐप का, आपने ये वाली ऐप जो है इंस्टॉल करनी है। इफ़ यू हैव अनदर ऐप जो कि स्कैनिंग ऐप है, जैसे कि कैम स्कैनर पहले जो था वो था, तो अगर आपके पास वो है अभी भी, या फिर एडोब स्कैनर है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं स्कैनिंग के लिए। जो दूसरी ऐप है वो है WPS, ठीक है। तो दूसरी ऐप जो है वो आपको PDF बनाने में हेल्प करेगी, ये है WPS ऑफिस की ऐप। तो जो पहली ऐप, जो दूसरी ऐप आई है वही है, ये वाली, ये आइकन है इसका। रिमेंबर, ये जो है आपको PPT, कोई भी PPT है, PDF डॉक्यूमेंट है, फाइल है, उसको ओपन करने में हेल्प करेगी। तो आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है जैसे आपने पहली वाली ऐप इंस्टॉल की। नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो होगा कि आप स्कैनिंग कैसे करेंगे। जैसे NotBlock है, मैं आपको इसे बताती हूँ कि कैसे काम करेगा। आप NotBlock ऐप खोलेंगे तो आपको नीचे दो ऑप्शंस आएंगी, एक जहाँ पे पिक्चर बनी हुई है एंड दूसरी जहाँ पे कैमरा बना हुआ है ना। तो आपने जो है अगर लाइव फ़ोटो खींचनी है तो आप इस कैमरे पे जाएंगे एंड कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, तो आप इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे। लाइक आई एम स्कैनिंग दिस वन। जब मैंने इसे स्कैन किया तो ये ग्रीन बॉक्स अपीयर हुआ है। आपने इस ग्रीन बॉक्स को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर पेज। तो मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर दी। प्रॉपरली एडजस्ट करें इसे, अदरवाइज जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसे ओके कर दिया। तो अब आप देखिए विजिबिलिटी जो है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, पेपर जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर टॉप पर जाएंगे, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिखाई देंगी, ओरिजिनल, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी जो है वो डॉक्यूमेंट्स की है, तो आपने इसे डॉक्यूमेंट्स वाली ऑप्शन पे ही रखना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने इसे ओके कर देना है। ओके, तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अब बन गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने इस डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो प्रॉपरली रखना है। इसके लिए मैं जाऊंगी सेव टू स्टोरेज पे। जब मैं यहाँ पे जाऊंगी तो आपको यहाँ पे फाइल नेम की ऑप्शन जो है वो दिख रही होगी, तो मैंने इस फाइल का नाम जो है वो चेंज कर देना है। डॉक्यूमेंट 8 से मैं इस फाइल का नाम रख देती हूँ Hindi 1, ठीक है। तो इसे मैं सेव कर दूँगी। नेक्स्ट, अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपका सेव हो गया है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप इस डॉक्यूमेंट को शेयर करेंगे। शेयर की ऑप्शन आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों, यहाँ पर नीचे ये यहाँ पे शेयर की ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आपने पहला ऐप इंस्टॉल किया है WPS क्लाउड वो शो हो रहा होगा, तो आपने इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। When you will select this, तो ये फाइल जो है ये आपकी अपलोड हो जाएगी
WPS ऑफिस में, यहाँ से आप इसे ओके कर दें, अपलोड कर दें। तो ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट 8 जो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। सो आपको याद रखना है कि आपकी जो टेस्ट की फ़ाइल या होमवर्क की फ़ाइल, जो भी फाइल है, उसका क्या डॉक्यूमेंट, क्या नाम है इसका, इसका नाम है डॉक्यूमेंट 8। ठीक है, तो आप इस डॉक्यूमेंट 8 को खोल के देख लें एक बार। वही फाइल है, यस वही फाइल है। नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने अब अपनी वेबसाइट जो है, जो आपको लिंक भेजा हुआ है आपके टीचर्स ने, आपने वो खोलना है और अपना लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन आईडी जो है, पासवर्ड जो है, उसे भरना है। ये देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप अपनी अपनी आईडी और अपना जो पासवर्ड है उसे फिल करेंगे। अगर किस गलत फिल कर दोगे तो लॉगिन जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप है कि आपका ये पेज खुल जाएगा, देन आपको जाना है होमवर्क वाली ऑप्शन में, जहाँ पर आपको डेली का काम आ रहा है, ये होमवर्क ऑप्शन, राइट। तो आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको सारी डेट्स जो हैं वो शो होती हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पे 16 जुलाई, 17, 18 जो कि आज है, ये सारी डेट्स जो हैं आपको शो होंगी, जो आपके टीचर्स ने काम डाला हुआ है वो। तो आप सबसे लेटेस्ट डेट, जैसे आज 18 है और किसी क्लास का टेस्ट है, तो आप सबसे लेटेस्ट डेट जो होगी उस पे जाएंगे और उसे खोलेंगे। जब आप इसे खोलेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो शो होगा ही, जो आपका काम है, ठीक है, डेली का होमवर्क, जैसे कि ये मैथमेटिक्स का होमवर्क डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक डला हुआ है टीचर ने जो आपको भेजा है। सो, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना होमवर्क चेक करना है, टेस्ट जो है वो देखना है, सारा कुछ डेली, और जो टेस्ट अपलोड होगा वो आपका होगा, नीचे ऑप्शन है रिप्लाई की, ठीक है, आपने इस रिप्लाई के ऑप्शन में जाना है। याद रखिएगा, जो सबसे लेटेस्ट डेट होगी आपने उसी डेट पे जो है वो अपलोड करना है, अदरवाइज टीचर को पता नहीं चलेगा। सो, आप यहाँ पे टाइटल लिखेंगे होमवर्क सबमिशन, अगर आप क्या कर रहे हैं, होमवर्क सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर होमवर्क सबमिट कर रहे हैं तो होमवर्क सबमिशन या फिर सबमिट जो है वो आप लिख देंगे। अगर आपका टेस्ट सबमिट हो रहा है तो आप यहाँ पे टेस्ट लिख देंगे, जो भी फाइल का नाम लिखना चाहते हो आप वो यहाँ पे लिख दोगे। नाउ द मेन थिंग इज़ कि आपने इसे अपलोड कैसे करना है। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाली ऑप्शन, अपलोड फाइल की ऑप्शन जो है वो दिखाई देगी। आपने अपलोड फाइल में जो चूज फाइल है इस पर क्लिक करना है, लाइक दिस। तो आपको ऑप्शन आएगी फाइल्स की, कहीं पे भी फाइल्स की ऑप्शन आएगी तो आपने फाइल्स में जाना है, एंड देन आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है आपने उसे ढूंढना है अपने फ़ोन में। तो मैं यहाँ से इसको डॉक्यूमेंट्स में लेके जाऊंगी, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जब ढूंढोगे तो आपको आपकी फ़ोन की सेटिंग्स के हिसाब से ये WPS ऑफिस का जो ऑप्शन है ये शो जो है वो ज़रूर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन शो हो रही है तो मैं इसे खोल लूँगी, जब मैं इसे खोलूँगी तो ये डॉक्यूमेंट 8 जो कि मैंने अपलोड करना है, जो कि टेस्ट है आपका या होमवर्क है, उसे आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको नाम शो हो रहा होगा, डॉक्यूमेंट 8 लिखा हुआ, तो इसका मतलब कि ये सेलेक्ट हो चुका है। द फाइनल स्टेप ऑफ सबमिशन इज़ कि आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ये फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने अपना क्लास टेस्ट या होमवर्क जो है वो कैसे सबमिट करना है, और PDF जो है वो कैसे बनेगा, और
आपको थोड़ी बहुत वेबसाइट जो है वो चलानी भी आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आई एम विलिंग टू आंसर यू एनी टाइम। कुछ भी कोई भी दिक्कत आ रही है वेबसाइट चलाने में, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आप नीचे जाएंगे तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप इस पे वीडियो बना दो या फिर ये बना दो, ताकि मैं आपको समझा दूँ। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस वेबसाइट के बारे में और नॉलेज जो है वो मिलती रहे, और आप हमेशा अपडेट रहें कि इस वेबसाइट में कोई चेंज आया है या फिर आप अपना काम जो है वो कैसे करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।